नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना अंतिम चरण में पहुंची। अभी तक की बात की जाए तो गुड़ विधानसभा में नागेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के 64,640 वोटों के साथ कपिध्वज 61,421 वोट, बीजेपी 3,219 वोट से यहां पर आगे है। बात की जाए मनगवां विधानसभा की तो यहां भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र प्रजापति सर्वाधिक वोट से जिले में जीतने वाले उम्मीदवार हो सकते हैं। नरेंद्र प्रजापति को 78,429 वोट, कांग्रेस की बबीता साकेत को 46,094 वोट, बीजेपी यहां पर 32,385 वोट से आगे है। बात की जाए रीवा विधानसभा की तो यहां पर राजेंद्र शुक्ला 76,934 वोट पाकर कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा 55,302 के मुकाबले 21,637 वोट से आगे हैं। त्योथर विधानसभा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थ तिवारी 58,176 वोट पाकर कांग्रेस के रमाशंकर पटेल 53,574 वोट के मुकाबले 4,629 वोट से आगे हैं। बात की जाए देवतालाब सीट की, यहां पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम 63,722 वोट पाकर अपने भतीजे कांग्रेस उम्मीदवार पद्मेश गौतम 39,336 वोट से, इस तरीके से गिरीश गौतम 24,386 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। मऊगंज विधानसभा की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप पटेल 70,119 वोट पाकर कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह पन्ना 62,945 के मुकाबले 7,174 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। सर्वाधिक हॉट सीट माने जाने वाली सेमरिया विधानसभा, कांग्रेस के अभय मिश्रा 51,227 वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी के केपी त्रिपाठी 50,440 वोट के मुकाबले 787 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। सारी विधानसभा में केवल और केवल कांग्रेस सेमरिया में बढ़त बनाए हुए, हालांकि यहां पर कश्मकश का मुकाबला है। अभी एक राउंड की काउंटिंग बाकी है, फिलहाल कांग्रेस यहाँ से 787 वोट से आगे है। बात की जाए आठ, पिछले बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर आठ की आठों सीट जीती थी, इस बार सात सीटों पर अभी तक वो जीतती नजर आ रही है। सेमरिया एकमात्र सीट पर काफी कड़ा मुकाबला देखने में नजर आ रहा है। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।